पहली बार है कि तीन किसान बिल मोदी जी ने वापस लिए और पूरा सन्नाटा है आरएसएस में, बीजेपी में और राज्य में और केंद्र सरकार में। पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरा का पूरा भारत सरकार का तंत्र, पूरी की पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी, पूरा जो आरएसएस सत्ते में है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। गरीब आदमी न खा सकता है, न वो खाना बना सकता है, न पेट भर सकता है और उसके जीवन को हमने भिखमंगों में बदल दिया है। और उसके बदले में मोदी सरकार कहती है कि हम लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 किलो चने की दाल दे रहे हैं या उसको हम जो है 5 किलो चावल दे रहे हैं और एक तरह से सरकार उस पर एहसान दिखा रही है। उनका मुद्दा जो है तीन बिल नहीं है, किसानों की समस्या तो एमएसपी की है, किसानों पे जो कर्ज है जिसकी वजह से 10 लाख किसान जो है हर 2 साल में मारे जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो समस्याएं उनकी, उनको उर्वरक सही नहीं मिलते, उनको उपज का मूल्य नहीं मिलता, मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सब समस्याओं को सुलझाने की जगह मोदी मीडिया किसानों को समझा रहा है कि तीन बिल आए थे वापस चले गए, अब आप भी घर वापस चले आओ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रंजन कुमार जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं फिर से किसान बिल की, क्योंकि मोदी जी ने जब से ऐलान किया है कि किसान बिल वापस लेंगे तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया मोदी जी ने पास तो किया था, संसद में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, मीडिया पर आकर हम कैसे माने इस बात को, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो है वो गुणगान गाने पर लगा हुआ, तो क्या क्या नए पहलू उसके निकल कर सामने आ रहे हैं। योगी जी अपनी अलग कहानी गा रहे हैं, तो हम सवालों का जवाब चाहते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर बताइए, ये खिचड़ी क्या पक रही है? नहीं, आपको एक बड़ी अजीब बात लगेगी जी, कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं जी, वो हर मौके बेमौके पर मोदी जी के धन्यवाद के पोस्टर निकालते हैं। अच्छा, कि मोदी जी को धन्यवाद, उन्होंने लोगों को फ्री वैक्सीन दी जी। मोदी जी को धन्यवाद, उन्होंने लोगों को जो है शौचालय बनाकर दिए। मोदी जी को धन्यवाद कि मोदी जी ने 5 किलो अनाज और 1 किलो दूसरी चीज देने का फैसला किया जी। लेकिन पहली बार है कि तीन किसान बिल मोदी जी ने वापस लिए और पूरा सन्नाटा है आरएसएस में, बीजेपी में और राज्य में और केंद्र सरकार में जी। यानी कि मोदी जी के, मैं तो सोच रहा था कि अगले दिन ही जो है गुरुपुर के अगले दिन ही या उसी दिन जो है अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन आएगा कि मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने तीन किसान बिल वापस लिए, जैसे वैक्सीन के पोस्टर लगे जी। हाँ, तो लगता है कि भारत सरकार को एक तरह से ये पहली बार लगा कि हमने अपनी जो है हमारी हार हुई है और इस हार का जश्न नहीं मना सकते, और इसीलिए हम देखते हैं कि मोदी जी और आरएसएस के लोग जिस तरह नोटबंदी पे चुप रहते हैं, उसी तरह जो है जीएसटी पे चुप रहते हैं, उसी तरह आप देखेंगे कि वो अब जो किसान बिल है उस पर बिल्कुल चुप हैं और उस पर कुछ नहीं कह रहे। ये जरूर है कि टीवी एंकर जो है वो बार बार ये कहते हैं मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, मोदी जी ने किसान आंदोलन को खत्म कर दिया है, विपक्षी दलों से उनका मुद्दा छीन लिया है, विपक्षी बौखला रहे हैं, खालिस्तानियों की हार हो गई है। लेकिन दरअसल इसका उल्टा है, और इसका उल्टा इसलिए है क्योंकि सबको पता है असलियत क्या है। अब किसान बिल की जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि किसान बिल वापस हो गए, और किसान बिल वापस हो गए तो किसानों को चाहिए कि वो वापस घर चले जाएं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप देखिए 5 जून 2020 को मोदी सरकार अचानक 3 अध्यादेश लाई, और वो 3 अध्यादेश इस बात के थे कि पहले अध्यादेश में कहा गया था कि कृषि ऊपर व्यापार और वाणिज्य के बारे में था कि उसमें प्राइवेट प्लेयर आ सकते हैं, दूसरा कृषि सेवा या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में था, और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में। तीनों बिलों में आप देखिए कि जो अध्यादेश आए उनको 5 जून को लाया गया, और बड़ी तुरंत फुरत जो है जल्दी से ही मोदी जी का जिस दिन जन्मदिन था 17 सितंबर को 2020 में, उसे लोकसभा में पहले पारित कराया गया, और फिर राज्यसभा में 20 सितंबर को 2 बिल पास हुए, और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटी बिल है वो 22 तारीख को राज्यसभा में पास हुआ, और जिस हबड़ा तबड़ी में पास हुआ उसमें संसदीय मर्यादाओं की पूरी जो है पोल खोल के रख दी, पूरा इन्होंने मजाक उड़ाया, और मजाक इस हद तक उड़ाया कि हम देखते हैं कि देश में संसदीय लोकतंत्र में पहली बार किसी भी सदस्य को बहस करने की अनुमति सभापति ने नहीं दी जी। और उस समय के जो उपसभापति हैं जो कि उस समय पदेन अध्यक्ष थे, वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने हर आदमी को
उसको हर इतना विरोध उनका हुआ कि लोगों ने उस विरोध की वजह से हम देखते हैं कि लोग सभापति के आसन पर पहुंचे, उन्होंने रूल बुक दिखाई और ये बड़ा विवाद कई बार रहा कि क्या लोगों ने वहां पर रूल बुक फाड़ी या और तरह का अत्याचार उपसभापति पर किया। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि उस समय उपसभापति थे और आज भी हैं, उन पर संसदीय मर्यादाओं की अवहेलना करने का और उनका पूरी तरह उपहास उड़ाने या मखौल उड़ाने का आरोप आज भी खड़ा है और इस बारे में सरकार चुप है। अब सवाल आता है कि मोदी जी ने अचानक क्या हुआ कि किसानों के विरोध के बाद 18 महीने बाद यानी 5 जून को 2020 को वो ये अध्यादेश लाए थे और अब जो है 19 नवंबर 2021 को पूरे तकरीबन 18 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं, इन्होंने ये बिल अचानक वापस ले लिए और ये बिल इस तरह लिए कि पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरा का पूरा भारत सरकार का तंत्र, पूरी की पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी, पूरा जो आरएसएस सत्ते में है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। बिल्कुल, तो मोदी जी की हालत ये समझिए कि वो हमेशा ये करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं अचानक करते हैं, बिना सोच विचारे करते हैं और जब वो कर देते हैं तो मोदी जी का अगर गुस्सा आ जाए तो कुल्हाड़ी पर भी लात मार देंगे और जब उनका पांव लहूलुहान हो जाएगा तब वो इस पर करेंगे विचार कि भाई ये देश हित में किया है या गलत किया है। जी, तो उनके भक्त कहेंगे कि मोदी जी ने कुल्हाड़ी पर जो पांव मारा है, इनका जो पांव कटा है या देश का जो पांव कटा है वो कुछ सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि मोदी जी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते। अब असलियत क्या है इन तीनों बिलों की, आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर हम एसेंशियल कमोडिटी बिल की बात करें तो ये 1955 में लागू हुआ था जब देश में अनाज की, खाद्यान्न की, पेट्रोल की, डीजल की, चीनी की, सीमेंट की, हर चीज की कमी थी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब ये था कि आप इन चीजों की एक निश्चित सीमा से ज्यादा अपने यहाँ संग्रह नहीं कर सकते, उनका स्टॉक नहीं रख सकते। अब जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसको सबसे पहला जो आघात पहुंचाया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में पहुंचाया जब उन्होंने 30 में से 12 कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटी के दायरे से बाहर कर दिया। अच्छा। फिर 31 मार्च 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसमें से दो जो वस्तुएं थी उन्हें भी बाहर कर दिया, फिर कुल रह गई 16 में मोदी जी जो अध्यादेश लाए उसमें अनाज, तिलहन, दलहन, खाने का तेल, प्याज और दूसरी जो चीज थी आलू, उसको जो एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दी। लेकिन बीच में 10 साल इनके कांग्रेस के रहे हैं सर, यूपीए के रहे हैं, यूपीए के सॉरी, तो उन्होंने क्यों नहीं वापस कर लिया उसको? देखिए एसेंशियल कमोडिटी बिल जो है गरीबों की मदद के लिए एक बिल बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि पूरे देश में कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा अगर चीजों को होर्डिंग कर लेता है तो उससे होता है क्या है कि बाजार में उसकी कमी हो जाती है, व्यापारी के पास क्षमता होती है, पैसा होता है, वो पैसा लगाकर कोल्ड स्टोरेज में या साइलो बनाकर जिसे बड़े बड़े गोदाम भंडारण कहते हैं या अपनी फूड चेन में, यानी अगर मेरे 1000 ऑफिस है तो मैं 1000 ऑफिस में अगर 10-10 टन अगर प्याज का होर्डिंग कर लूं तो एक तरह से आप समझिए 10,000 टन प्याज का होर्डिंग हो जाएगा और मार्केट में कमी हो जाएगी। और तो गरीब को हर चीज मिलती रहे उसके लिए इसकी व्यवस्था की गई थी और मोदी जी ने जो है सारी की सारी व्यवस्था को ठप कर ये अध्यादेश लाए थे। और उसके बाद हम देखते हैं अडानी ने, अंबानी ने साइलो बनाए बड़े बड़े, अपनी जो है व्यापार श्रृंखला यानी आप देखिए बड़े बड़े स्टोर बनाए जहां पर वो चीजों की होर्डिंग करके उसे बेच सकते हैं और जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक है वहां पर अपना सामान आप रख सकते हैं। और यही वजह है कि जब एसेंशियल कमोडिटी बिल पिछले साल 18 महीने पहले पार हो रहा था उस समय संसद में एक सदस्य ने कहा कि यहाँ बाजार में जो है टमाटर का भाव जो है 30 रुपए है और आज हम देखते हैं 1.5 साल बाद उसी टमाटर का भाव जो है 120 रुपए किलो तक हो गया। जी बिल्कुल, तो उसका मतलब यह है कि गरीब आदमी ना खा सकता है, ना वो खाना बना सकता है, ना पेट भर सकता है और उसके जीवन को हमने भिखमंगों में बदल दिया है। और उसके बदले में मोदी सरकार कहती है कि हम लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 किलो चने की दाल दे रहे हैं या उसको हम जो है 5 किलो चावल दे रहे हैं और एक तरह से सरकार उस पर एहसान दिखा रही है और ये एहसान दिखाने के मकसद ये है कि लोगों की
जो आमदनी है वो तो बढ़ी नहीं। अब आमदनी मेरी अगर 1000 रुपए है और टमाटर का दाम 120 रुपए हो जाएगा, तो मैं टमाटर को सिर्फ फोटो में देख सकता हूँ, कैलेंडर में देख सकता हूँ, अपने मोबाइल में देख सकता हूँ। आज के दिन आप देखेंगे कि मोदी सरकार की वजह से खाने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ये जो बिल आया एसेंशियल कमोडिटी बिल वाला, उस समय जो है सरसों के तेल का दाम 70 रुपए था, अब जो है 250 रुपए से ऊपर हो गया। बिल्कुल। तो और बढ़ाया किसने? सारी की सारी होर्डिंग जो है अडानी ने कर रखी है, अंबानी ने कर रखी है, इसलिए नंबर वन पे चले गए हैं कल, एशिया के नंबर वन व्यक्ति बन गए। नहीं, वो तो मोदी जी की मंशा है कि वो हिंदुस्तान के भी नंबर वन बने। 2014 में 11वें नंबर पर थे। जी हाँ, और ये चाहेंगे वो विश्व के भी नंबर एक बने। मोदी जी की कोशिश जो है वो अडानी और अंबानी के लिए उसी तरह की है जैसे कि कोई मालिक जो है अपने नौकर को कहता है कि तू मेरा ये काम कर, और नौकर जो है उसका हुक्म जो है बजा लाता है। तो अब ऐसी हालत में जो तीनों बिल वापस लेने का फैसला जो है अब केंद्र सरकार की कैबिनेट ने कर लिया। अच्छा। कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी अब संसद का सत्र आएगा तो हम वापस लेंगे बिल, और वापस बिल लेंगे तो इसका मतलब ये मोदी जी को कहना चाहिए कि हम जो है 5 जून 2020 से पहले की यथास्थिति बनाकर लाएंगे, बनाकर लाएंगे। जी जी। और ये तीन किसान बिल वापस लेने के बाद ये कहना कि किसान वापस चला जाए, ये ऐसे ही है जैसे मेरे घर के बाहर कोई आदमी तीन गंदगी से भरे सड़ान मारते हुए टोकरे रख जाए, और मैं कहूँ भैया टोकरे क्यों रख दिए, तो तू मेरा जीवन दुष्भर कर रहा है, और मैं तीनों टोकरे हटा लूं, और फिर कहूं जी मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। यानी कि मैं पड़ोसी को जो मेरे घर को उसे मेरा जीवन नरक बना दिया, अगर उसने वो मजबूरी में मेरे डर की वजह से, कानून के डर की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से अगर वो टोकरे उठा लिए हैं, तो उसमें मोदी जी की जीत कहां हुई, और किसान क्यों घर चला जाए। किसान की समस्या तो 20 जून से पहले भी किसान आंदोलन हुआ, मोदी जी दो बार किसानों से टकराए हैं। पहली बार जो है जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक में जो संशोधन लाए थे, तब जो है 2014 में पूरा देश में आंदोलन हुआ, अब मोदी जी को मजबूर होना पड़ा, कांग्रेस में राहुल गांधी ने उसकी उस समय लीड ली, और अभी भी राकेश टिकैत कहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से किसानों का फायदा हुआ है। तो इस स्थिति में अब जो आरएसएस के लोग हैं या मोदी मीडिया के लोग हैं वो बड़ी स्वामी भक्ति से कहते हैं कि तीनों बिल वापस हो गए तो किसान वापस चले हैं, यानी कि किसानों का मुद्दा वो समझते हैं जैसे तीनों बिलों, किसानों का मुद्दा जो है तीन बिल नहीं है, किसानों की समस्या तो एमएसपी की है, किसानों पे जो कर्ज है जिसकी वजह से 10 लाख किसान जो है हर 2 साल में मारे जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो समस्याएं उनकी, उनको उर्वरक सही नहीं मिलते, उनको उपज का मूल्य नहीं मिलता, मंडी व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सब समस्याओं को सुलझाने की जगह मोदी मीडिया किसानों को समझा रहा है कि तीन बिल आए थे वापस चले गए, अब भी घर वापस चले गए, यानी कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान जो है अपनी अच्छाई और बुराई, अपना भला और बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन अब की बार यह हुआ है कि इस समय मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, किसानों को पता चल गया है कि अब इस सरकार से लड़कर ही आप अपने हक ले सकते हैं, ये सरकार आपका भला अपने दिल और दिमाग से नहीं करती, और ऐसी हालत में लोग जो है चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, जन आम बच्चे हो जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, उन सबको जो है संगठित होकर इस सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, इस सरकार को हराना पड़ेगा, और जो 5 राज्यों के चुनाव हैं जब ये मोदी जी सरकार हार जाएंगे तब इनको अकल आएगी कि कैसे जनता का भला करना हमारा काम है, जनता ने हमें वोट दिया है, हमें जनता का भला करना है, ना कि अडानी और अंबानी का करना है, लेकिन आज भी ये चोर रास्ते से अडानी और अंबानी के ही एक तरह से आप समझिए नौकर बने हुए हैं, और उन्हीं का भला करने की सोचते हैं, और इसीलिए जो है किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं होगा, ये किसान आंदोलन आने वाले 2 साल तक जब तक चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार के 2024 के चुनाव नहीं आ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बताया कि खाली किसान बिल वापस लेने की घोषणा से समस्या काल नहीं होने वाला जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, और यथार्थ स्थिति जो पहले से थी वो नहीं बनेगी, इसका हल नहीं निकलने वाला, तो किसान इसलिए अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।